हमास और इसराइल के बीच फिलहाल युद्ध विराम की स्थिति है। इस दौरान हमास उन लोगों को भी छोड़ रहा है जिन्हें उसने बंधक बनाया था। इस बीच इजिप्ट को एक लिस्ट मिली है जिसके मुताबिक 26 नवंबर यानी रविवार को 13 इसराइलियों और 39 फिलिस्तीनियों को छोड़ने की बात कही गई थी। इजिप्ट की सरकारी सूचना सेवा SIS के प्रमुख दिया राशवान ने बीते दिनों बयान में इस बात की पुष्टि की थी कि इन लोगों को रविवार को रिहा किया जाना है। इस बयान में कहा गया कि संघर्ष विराम बिना किसी बाधा के आगे बढ़ रहा है। साथ ही ये भी जानकारी दी गई कि रविवार को इजिप्ट से गाजा के लिए 120 सहायता जहाजों ने सीमा पार की है। इसमें दो ईंधन ट्रक और खाना पकाने के लिए गैस के दो ट्रक शामिल है। गौरतलब है कि अभी तक हमास ने कई बंधकों को छोड़ दिया है। इससे पहले इसराइल के साथ हुए युद्ध विराम समझौते के तहत हमास ने 13 इसराइली और 4 विदेशी बंधकों को रिहा किया था। हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों और इसराइल में फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली के तीसरे दौर के तहत इन बंधकों को 26 नवंबर को रिहा किया गया। रेड क्रॉस के प्रतिनिधियों ने रिहा किए गए बंधकों को इजिप्ट पहुंचाने या फिर सीधे इसराइल पहुंचाने का काम किया। इस बीच हमास ने इसराइल पर युद्ध विराम समझौते की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए बंधकों की रिहाई कई घंटों तक टाले भी रखी, जिसके कारण तनावपूर्ण गतिरोध भी पैदा हुआ। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के प्रयासों ने इस गतिरोध का अंततः दूर कर दिया। हमास ने इसराइल पर 7 अक्टूबर को अप्रत्याशित हमला कर करीब 240 लोगों को बंधक बना लिया था, जिसके बाद इसराइल ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गाजा पट्टी पर हमला किया। इसराइल और हमास के बीच 4 दिन के युद्ध विराम के दौरान कुल 50 बंधकों और 150 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।